शमशाद, शमशेद से कहकर मैंने तुम्हारा सारा सामान मंगवा लिया, लेकिन अगर कुछ रह गया हुआ तो मुझे बता देना, मैं मंगवा लूंगा। हाँ, रह गया कुछ। अच्छा, क्या रह गया? आपकी मोहब्बत। मोहब्बत जिसके सहारे आप मुझे उस घर में लेकर गए थे, मुझे आपसे वो मोहब्बत और इज्जत चाहिए अफगान, जिसको देने का आपने मुझसे जिंदगी भर के लिए वादा किया। मैं अलीजे के साथ बाहर जा रहा हूं। तुम खाना खा लेना, मैं खा कर आऊं। अफनान जल्दी आ जाओ। हाँ चलो चलें। कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये कलर मुझ पर सूट कर रहा है? हाँ बाबा, बहुत सूट कर रहा है। सन में अफनान, हम इतने दिनों बाद साथ बाहर जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा पहनूं जो तुम्हें पसंद आए। तुमने हमेशा ही ऐसा किया, मेरी पसंद नापसंद का हमेशा ख्याल रखा था। अच्छी बीवी हो तुम। चलें, देर नहीं हो रही तुम्हें। चलो चल। मेरी जिंदगी में आसमान की तरह हो तुम, तुम्हारी मोहब्बत इज्जत हर चीज मुझे ताकत देती है। तुम्हारे बगैर मैं अधूरी हूँ। मैं तो मरकर भी तुम्हारा आसमां कर देती, दीवाना हूँ तुम्हारा।
मैं जानती हूँ कि तुम और हमजा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, और हमजा बहुत अच्छा लड़का है। रब की कसम तेरे, कितना लकी, जिससे मोहब्बत करता था वो फाइनली मुझे मिल गया। तुमने तो भाई बहुत ही दिल जिगरे का मुजाहरा किया है इस वक्त। ना बताओ, कोई ऐसी बहू बनाता है जिसकी इज्जत तार तार हो गई हो? तुम्हें अच्छा लगा ना? कल मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है, तुम साथ चलोगे ना? तुम एक काम करो, तुम अपॉइंटमेंट लेके मुझे बता देना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा उस वक्त। अच्छा, मैं ये कर लेती हूँ। हाँ अलीज़ा, अब तुम जाओ, रेस्ट करो। मैं कुछ देर में आता हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रहे हो? रमशा के पास? हाँ लीजिए। उसे भी तो देखना है। जाकर देख कर आता हूँ वो सोई भी है कि नहीं। स्नान, अभी तो हम दोनों साथ थे, इतना अच्छा वक्त गुजारा, तुम क्यों जा रहे हो? तुम्हें उसकी फिक्र लगी हुई अभी भी? उसकी फिक्र करना मेरा फर्ज है। वो बीवी है मेरी, जिम्मेदारी है। अगर आज मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाऊंगा तो कल अल्लाह को जवाब देना होगा मुझे। तुम जाओ, थोड़ी देर आराम कर लूं मैं। हाथ तुम जैसी औरतों का मसला क्या है? जब तुम्हारा शौहर कोई गैर शरी हरकत कर रहा होता है तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो किसी को शरई तौर पे अपना ले, निकाह कर ले, उस पर तुम लोगों को एतराज होता है। ये बात तुम लोगों के मयार पर पूरी नहीं है। और तुम्हारा मियार क्या है? वो घटिया लड़की, घर से भागी हुई टिकटॉकर? बस, इसके आगे एक लफ्ज मत कहना अली से। मेरी कोलीग्स मुझे कितनी कॉल्स कर चुकी है सिर्फ ये पूछने के लिए कि अफनान ने आखिर ये किया क्या है तुम्हारे साथ। क्या बताऊं सबको आपके भतीजे के कारण? जाऊंगी तो मुझे ही अजियत होगी। सबकी जबान पर सिर्फ एक ही सवाल होगा कि इतनी अच्छी बीवी छोड़कर अफनान को पड़ी क्या थी एक टिकटॉकर लड़की से शादी करने की। बस कर दो अली, ये लोग जितने भोले बनते हैं ना वो इतने अंदर से होते नहीं है। सब पता होता है इन्हें, पर इन लोगों को ये भी पता है कि ऐसी ही लड़कियां होती हैं जो शरीफ लड़कों को आसकम से शादियां कर लेती। और अलीजे को तुम पहली बीवी नहीं हो, ऐसी हजारों बीवियां जो इस आजमाइश का हिस्सा बनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी है इस घर में कदम भी रखने की? मैं लेकर आया इसे।
ये इस घर में नहीं रहेगी, यहाँ से बाहर जाएगी। निकलो यहाँ से। लीजे, अरे इसे क्या हो गया तुम्हें? कंट्रोल योरसेल्फ। प्लीज, मैं इस घर में मजीद हंगामे नहीं चाहता। तो जो भी बात करनी है मुझसे कर। रमशा को यहां मैं लेकर आया। मुझे कोई बात नहीं करनी। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहां नहीं रहूं। जा रही हूं मैं यहां से। साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे, करना क्या औरों से गिला, धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। रमशा जैसी लड़कियां शरीफ लड़कों को ढूंढती हैं, जो खानदानी भी होते हैं और अमीर साहब उनसे शादियां करते हैं। और वही रमशा ने किया। धोखा मुझे यार से मिला। तुम शरीफ आदमी, खानदानी और अमीर साहब, तुमसे शादी करके उसने तुम्हें बदनाम किया और वो रातों रात मशहूर हो गई, क्योंकि वो यही चाहती थी। उसे कितनी मोहब्बत की थी रमशा, और आज भी करता हूं। काश तुमने मेरी मोहब्बत का भरम रखा होता। यह सच है कि मैं चाहकर भी तुम्हारी मोहब्बत अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा। काश कि तुम ऐसी ही होती जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। अच्छा, तुम जितनी मासूम और पुरसकून दिखती हो, काश के तुम्हारा असल चेहरा भी यही होता। धोखा मुझे यार, मैंने तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा और हमेशा चाहता रहूंगा। बेटा तुम नीचे ठहरो, मैं आ रहे हो। हाँ जा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्यों आई हैं? आप लोगों को तो मना किया था ना यहाँ आने से। वो मैं तो बस रमशा की तबीयत पता करने आई हूँ। पता चला था उसकी तबीयत खराब है तो फिक्र हो रही थी। जो कुछ भी है, तबीयत पूछनी थी तो आप फोन कर लेती। यहाँ आने का कोई मकसद नहीं बनता। अफनान ने अगर रमशा से गलती से शादी कर ली है तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप हमारी रिश्तेदार बन गई। आखिर हमारा कोई स्टेटस है, आपको आपको सोच समझ के आना चाहिए। पप्पो, ये कैसे बात करी आप मेरी चाची से? अब तुम मुझे बताओगी
कि मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए? घर पे आए हुए मेहमान ना मुहाज़िब लोगों के लिए इज्जतदार होते हैं, उनकी इंसल्ट नहीं की जाती। रमशा एक बात ना कान खोलकर सुन लो, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार मेरे घर अब नहीं आएगा। क्यों? मैं अफ़सान की बीवी हूं, इस घर पे मेरा पूरा हक। इसलिए मेरे रिश्तेदार यहां जरूर आएंगे। चाची चले आप मेरे साथ। बात सुनो, इस वक्त अफ़सान घर पर नहीं है, बेहतर यह है कि तुम इस घर को छोड़कर चली जाओ। अगर तुम नहीं गई ना तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से धक्के देके तुम्हें बाहर निकालूंगी। और यकीन करो इस घर में मुझे कोई रोकने टोकने वाला है नहीं। आप मुझे क्या इस घर से निकालेंगी? मैं खुद ये घर छोड़ के जा रही हूं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहती हैं कि मैं यहां से चली जाऊं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आवाज नीची करके बात करो मुझसे। तुम शायद भूल रही हो कि तुम्हारी इस घर में औकात क्या है। जब मैं तुम्हें गुनहगार साबित करूंगी ना तभी मेरे दामन पे लगे दाग धुलेंगे और उनके छींटों से ना तुम दोनों खुद को नहीं बचा पाओ। जा रही हूं मैं इस घर से, मैं इस घर से जा रही हूं, लेकिन मैं इस घर में वापस जरूर आऊंगी और ये साबित करूंगी कि मामू जान ने मुझ पर जो भरोसा और एतबार किया था उसे मैंने कभी नहीं तोड़ा। तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर जो मुझे बदनाम साबित करने की कोशिश की थी ना तो मैं गलत जरूर साबित करूंगी। और मामू जान की मौत की जिम्मेदार मैं नहीं, तुम दोनों हो, ये साबित जरूर करूंगी मैं। मैं तो कहती हूं कि उसको ना धक्के देकर इस घर से बाहर करो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे हाथ बंधे हुए, मेरे हाथ बंधे हुए उस वादे से जो डैड ने जाने से पहले मुझसे लिया था। तुमने मुझ पर यह जिम्मेदारी डाली थी कि मैं रमशा का हमेशा ख्याल रखूं। आप अलीजे को समझाइए, डैड से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते। क्या मैं और सलमान एक जैसे दुख का शिकार हैं? तुम पाबंद करोगी उरूज को कि वो सलमान से जाके बात ना करे, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी जिम्मेदारी। तो तुम्हें मालूम हो ही क्या, अगर सलमान मेरी नानी का बेटा नहीं है तो फिर किसका बेटा है? बेटा बेटा, अगर मुझे अंदाजा होता कि शीन को मेरा यह आना इतना बुरा लगेगा तो मैं आती ही नहीं। I'm sorry उनकी तरफ से, लेकिन आप छोड़ें बस इन बातों को, दफा करें। मुझे बताएं कि चाचू कैसे हैं, वो ठीक हैं? और दुकान का क्या बना? ठीक है तुम्हारे चाचू,
दुकान में थोड़ा नया माल डाले। तुम्हारे चाचू और शानी दोनों बस उसी में बिजी हैं। दुआ करो कि दुकान फिर से पहले की तरह जम जाए। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। आप मुझे बताएं, चाय तो पियेंगे ना आप? अरे नहीं बेटा। अच्छा ये बताओ कि तुम खुश तो हो ना? तुम्हारा ख्याल रखता है ना? जी चाची, बहुत खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र है अफ़तान मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं और मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। माशाल्लाह। ये अलीज़े और अफ़शीन तुम्हें तंग तो करती होंगी ना? अफ़नान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर शौहर की सपोर्ट हो ना। तो औरत बड़े से बड़े तूफान का भी सामना कर जाती है। शुक्र है मेरी बच्ची। एनी का बताए मुझे? एनी तुम्हें बहुत याद करती है। देखो अफ़नान, मैं ये सारी बातें तुमसे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ज़ाहिर बातें ही करेंगे ना। और वैसे भी शानी रमशा का सिर्फ कज़न नहीं है, उसका साबका शौहर भी रह चुका है। देखो वैसे ही बहुत बातें बन चुकी हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब इस लड़की को लेकर लोग इश्यू खड़ा करें। आधे से ज्यादा दुनिया तो जानती है तुम्हारी बीवी को ना। छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनता है अफ़नान। उपो आप फिक्र न करें, मैं रमशा से बात करूं। बात करने की कोई जरूरत नहीं, उसको समझाओ कि कोई जरूरत नहीं है उन लोगों से अब रिश्तेदारी निभाने की। जिन्होंने कभी ना उसको सहारा दिया, ना मोहब्बत, ना अपनाइयत। और वो बदतमीज शानी, वो लड़का तो मुझे एक नजर नहीं भाता है। तुम भूल गए उसको? शादी के बाद उसके तेवर देखे थे?
और उसने भाईजान से कितनी बदतमीजी की थी। ये बातें तुम भूल सकते हो, मैं नहीं अफनान। बेहिस इंसान हो, बहुत पछताओगे। निकल यहां से। तुझे कोई पछतावा नहीं है, समझ आई तुझे? चल बेटा निकल, चल चल। मुझे लगता था कि तुम बहुत अकलमंद इंसान हो, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ निकले। ये भी भूल गए कि रमशा के साथ रहने का तुम्हें कितना फायदा हो सकता है। क्या फायदा होगा समझे? वही ना, आज कोई आया था क्या? जी चाची आई थी। अच्छा, और कोई? नहीं, और तो कोई भी नहीं आया था। चाची बता रही थी कि एनी ने कहीं एडमिशन लिया है, सिलाई सीख रही है, इसीलिए वो वहां गई हुई थी। चाची अकेले आई थी। अच्छा, एक काम करो, एक बार फिर सोच लो। कोई और तो नहीं आया था ना साथ? नहीं अफनान, कहा तो है चाची आई थी। बार बार क्यों पूछ रहे हैं आप? कि तुम झूठ बोल रही हो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है घर में जो कुछ हो रहा है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलेगा? मैं अच्छी तरह जानता हूँ शानी भी आया था। क्यों आया था वो यहाँ पे? नहीं नहीं अफनान, ऐसी कोई बात नहीं है, शानी नहीं आया था यहाँ पे। चाची चाची कह रही थी कि शायद उनको चाचू या शानी पिक करने के लिए आएंगे। हो सकता है कि शानी लेने के लिए आया हो। मैंने उसे नहीं देखा, मेरे सामने नहीं आया था वो। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, शानी मुझे अब इस घर में नजर ना आए वरना मैं लिहाज नहीं करूं, और वहां उस घर में भी सबको बता दूं। हाँ, चलो चले। कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। ये कलर मुझ पर सूट कर रहा है? हाँ बाबा, बहुत सूट कर रहा है। असल में अफनान, हम इतने दिनों बाद साथ बाहर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा आज कुछ ऐसा पहनूं जो तुम्हें पसंद आए। तुमने हमेशा ही ऐसा किया, मेरी पसंद ना पसंद का हमेशा ख्याल रखा है। बहुत अच्छी बीवी हो तुम मेरी। अब चलें, देर नहीं हो रही। तुम चल। हमेशा बेटे, जो लोग अल्लाह की रजा पे राजी रहते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं। जो राजी पे रजा हो, बड़ा मकाम है उनका। अल्लाह की हर काम में बेहतरी, उसकी रजा शामिल। उसकी रजा पे राजी हो जाओ तो फिर दिल को इत्मीनान मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो ये बातें कौन सिखाता है मामू जान? अल्लाह पर कबीरा, मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था। ख्याल आ जाता है ना इसे, दिल छोटा पड़ जाता है, अपनी पसंद की चीज ना हो तो दिल परेशान होना शुरू हो जाता है। ऐसे क्यों नहीं हुआ जैसे मैं चाह रहा था, वैसे क्यों नहीं हो गया? तो बस फिर अल्लाह वालों का साथ मिला और छोटे छोटे कदम उठा के दीन के रास्ते पर चलना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। दीन के इल्म में बड़ी बरकत है।